لا إله إلا الله لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين कुरान करीम में जो तावुज और तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दो आयतें दरअसल इंसानी अमाल और ख़ाल के अमाल या ख़ाल की सिफ़ात जिसमें रहमान और रहीम का ज़िक्र किया गया है ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के इन दो आयत के अंदर पोशीदा हैं और तख्लीक की सारी कहानी इनमें मौजूद है इसमें कहा ये गया है कि ऐसे आमाल करो कि वो शैतानी आमाल ना हो और वो रहमान और रहीम ख़ुदा के मजहर हों यानी हमारे आमाल शैतानी ना हो बल्कि रहमान और रहीम की सिफ़ात अपने अंदर लिए हुए हों ये चीज़ बाक़ी क़ुरान करीम की आयात में सूरतों में मिसालों से दलाइल से वाक्यात से बयान की गई है खोली गई है और फिर आखिरी तीन सूरतें एक मरतबा फिर खुलासा पेश कर देती हैं इन्हीं तालीमत का इस जमन में मैं बाज इल्मी सियासी और मजहबी तीनों रंग की मिसालें देख कर इस चीज़ पर बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो भी रहमानी सिफ्त अपनाएगा वो ज़िंदा रहेगा वो खुदा तला के डिज़ाइन के मुताबिक होगा उसके अमाल नेक होंगे ये भी दरअसल वर्चू इज़ गॉड जो इस ज़माना में इल्हाम हुआ है उसकी एक वजाहत है एक नए जाविये से मैं मेडिकल साइंस में आपके सामने एक मिसाल रखता हूं और फिर आप मुआजना करें तो आपको पता चल जाएगा कि रहमानी अमाल क्या होते हैं और जब इंसान इनसे हट जाता है तो फिर क्या नतीजा निकलता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए और गलबन इंग्लैंड में फोत हुए और वहीं उनकी कबर लंदन में सेंट पॉल कैथीड्रल में मौजूद है उनके कतबे पर जो कुछ लिखा गया है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो इंग्लिश में है उस पर लिखा है रिमेम्बर बिफोर गॉड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एफ

इस कदर याद रखा क्यों जाता है और उसको क्यों अजीम समझा जाता है उसकी वजह यह है कि इसने पेंसिलिन की दरियाफ्त की थी और पेंसिलिन की दरियाफ्त से करोड़ हा लोगों को आज भी फायदा पहुंच रहा है ये उसकी दरियाफ्त से बनी नो इंसान को जैसे फायदा पहुंचा तो रहमानी सिफत भी यही है कि उसकी नेमत आम है वो रहमान है उसने सूरज बनाया तो तमाम बनीनो इंसान को उससे फायदा पहुंचता है इसी तरह यह दरियाफ इससे बहुत बड़ी तादाद को उस वक्त भी फायदा पहुंचा आज भी पहुंच रहा है और आइंदा भी पहुंचता रहेगा अजीम चीज है लेकिन इसमें अजमत का एक और पहलू है दरियाफ़त तो कई चीज़ें की जाती हैं ईजाद भी होती हैं लेकिन क्या वजह है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक नुमाया रखते हसियत रखते हैं मुमताज़ हसियत रखते हैं उसकी वजह यह है कि जब ये प्रोडक्ट पेंसिलीन इसका फ़ायदा पता चल गया तो फिर अमेरिका के दो सरमायादारों ने जिनके नाम ये हैं रॉबर्ट कोघिल और एंड्रयू मॉयर इन्होंने कहा कि हम इसकी प्रोडक्शन करने के लिए इसका पेटेंट ले लेते हैं इसे पेटेंट कर लेते हैं ताकि हमारी फैक्ट्री ही बनाए और हमारा बिजनेस चले इसे इस पर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जवाब दिया वो अजीम जवाब है उनके कमेंट्स ये हैं आई फाउंड पेंसिलीन

कोई इसका पेटेंट नहीं होगा किसी की इजारादारी नहीं होगी इस पे और इसको बनी नो इंसान की के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये है ऐसे नेक अमाल जो इंसानों के फायदे के लिए किए जाते हैं इसके बिल मुकाबल ताकि ये बात वाजी तौर पर सामने आए कि अलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग का कद कितना बुलंद था उसके अमाल कितने बुलंद थे हम एक और कंपनी है आस्ट्रा उसको देखते हैं ये वो कंपनी है जिसने जो जो पेट का में अल्सर हो जाता है उसके लिए एक दवाई लो से बनाई ठीक है कि इंसान जो मेहनत करता है और अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है उस पर वो मुनाफा भी कमाता है इसकी हद कहाँ पे है किसी चीज की प्राइस क्या हो ये एक अपनी जगह अलग मज़मून है मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसी प्रोडक्ट के शेयर्स और परमिशन एक और कंपनी ने दो सौ मिलियन डॉलर पे लिए कि हमें ये प्रोडक्ट फ़रख्त करने की इजाज़त दी जाए तो उनको महदूद ममालिक में इजाज़त दी गई अब इन दो को का मुजना करें कि एक का दरियाफ्त करने वाला बनी इंसान के फ़ायदे के लिए उसको पेटेंट नहीं होने दे रहा कि ये फ़ायदे के लिए आम कर दी जाए और बाकी किस तरह फिर कारोबार करते हैं उसकी दूसरी मिसाल मैंने आपको दी ताकि आप तकाबली जायज़ा लेकर देखें कि रहमान खुदा के मजहर कौन होते हैं और उनके अमाल किस तरह के होते हैं अब इसी चीज की एक और मिसाल सियासत की है यहाँ पर भी मकसद सियासत का ये होता है कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया जाए जिसमें आवाम को सहूलत मिले आसानियां पैदा की जाए और अहले इलम सियासतदान लोग ऐसे असूल और कवानी मरतब करें जिसे बनी नो इन्सान को फायदा हो लेकिन यहाँ पर भी हमें दोनों रंग नज़र आते हैं ज़ाती मुफादात हासिल करने वाले और वो जो वाकई ही बनी इंसान के फायदे के लिए सोचते हैं मसलन हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं अक्सरियत तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के सियासतदान उनका कसीर हिस्सा जाति मफाद माल की मोहब्बत ज़मीनों जायदादों की मोहब्बत ये सिर्फ़ फ़ायदे उठाता है और आवाम को एक तिफ़ल तसलीओ पे तरखाया होता है उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता या ना होने के बराबर किया जाता है और फिर इनमें अच्छे भी हैं मसलन आज हम देखें पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो पहले हुक्मरान रहे हैं उसके बिल मुकाम मुकाबल हम एक नए सियासतदान इमरान ख़ान को देखते हैं जिन्होंने अपनी कमाई हुई दौलत भी इस काम में लगा दी हॉस्पिटल्स बनाए अपनी कमाई हुई दौलत से और जो इस मकसद के लिए लोगों से चंद जा, चं, चंदा जात लिए गए ये नेक माल है जाति जो भी मलकियत है उसको कहा कि मेरे मरने के बाद यह भी कैंसर हॉस्पिटल्स को दे दी जाए ये नेक नमूने हैं और दूसरे नमूने भी हैं तो अल्लाह ये कहता है कि रहीम मेरी सिफ्त रहमानियत और रहीमियत को अपनी ज़ात में जारी करो मेरे रंग में रंगीन हो जाओ जो भी इस रंग में रंगीन होता है वो दरअसल खुदा ताला की सिफत और सिफात का मज़र बनता जाता है फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि मज़हब में भी यही दोनों चीज़ें नमूने हमें नज़र आते हैं जैसे सियासत में है साइंस की दुनिया में है दूसरे तजारत में है मजहब में हम ये देखते हैं कि रसूल करीम वसल्लम ने जो कुछ इल्म हासिल किया अल्लाह से वही के ज़रिए से उसको आम कर दिया कि तमाम दुनिया के लिए ये इल्म दिया जाता है ताकि उनको इससे फ़ायदा पहुंचे हर लिहाज से फ़ायदा पहुंचे ईमान के लिहाज से इल्म के लिहाज से तजारत के लिहाज से दलाइल के लिहाज से आम है जो चाहे कुरान करीम का मताल करे और उससे अपने लिए इल्म हासिल करे कोई पेटेंट नहीं है चीज सबके लिए आम है इसीलिए आप रहमत है कुरान करीम में जो आवाम के हकूक हैं वो ये हैं जो रसुल्की ने दिए कि इस राया में कोई शख्स भूखा नंगा प्यासा और बग़ैर छत के ना रहे अब आप देखें कि सत्तावन ममालिक हैं जो अपने दही मुसलमान कहते हैं इन सत्तावन ममालिक में कौन सा मुल्क है जो अपने तमाम शहरियों के लिए ये सहूलतें पैदा करता है मेरा कहने का मतलब ये है कि बावजूद मुसलमान होने के रसूल करीम सद्सम ने जो एक इल्म दिया था जो एक नेमत दी थी और जो, जो जिम्मेदारी निगरान तबके की लगाई थी उसको पूरा नहीं किया जाता जबकि इसके बिलमकबिल देखें तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें मसलन ये मेरा मुल्क है जहाँ मैं रहता हूँ स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड कनाडा इंग्लैंड ये वो ममालिक हैं जो ये सहूलतें अपने उन आवाम को जो मुश्किल का शिकार हूँ देती है तो ये एक बहुत बड़ी नमत है क्योंकि ये हकूमतें ये इंतज़ामिया इलाही सेफात के रंग का मज़र होती हैं और उसके फ़वाद सोसाइटी में नज़र आते हैं और ये चीज मुसलमान ममालिक ने क्यों नहीं अपनाई फिर हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब भी एक खुदा से इल्म पाक कर हदायत देने के लिए खड़े हुए थे उन्होंने जो कुछ भी निज़ाम पेश किया और माल के आने का जो जरिया था वो भी बताया कि किस तरह चंदा आम लेना है जिसकी कोई शरह नहीं थी वसीयत क्या है वो भी बता दिया मगर जिस चीज़ पे उन्होंने ज़ोर दिया कि वो ये था कि इन अमौल में गरीबों बेवाओं यतीमों और वो जो मकूल जरिया मुआश नहीं रखते का हक होगा और ये भी कहा था कि इन अमवाल को तजारत से तरक्की दी जाए तो क्या उसके बाद उन्हीं की जमात ने इस पर अमल किया उनकी इंतजामिया ने और उनकी जानशीनों ने 1914 से इसके बिल्कुल उलट अमल करना शुरू कर दिया ये भी चंदा लगा दो वो भी चंदा लगा दो यानी आज वो तकरीबन अड़तालीस जंदे बन चुके हैं आमद के ऊपर जोर दिया जाता है और उसके इलाही सिफात के मुताबिक इस्तेमाल वो सिर्फ अपने खानदान तक महफूज महदूद मे, है आम अफराद को उससे कोई फायदा नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम मसाजिद बना रहे हैं तो ये मसाजिद किसकी हैं? और वो भी एक जुल्म है जो मैं शायद पहले भी जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ स्वीडन में मैं पच्चीस साल तक इस जमात के साथ रहा अहम उदों पर रहा मैंने ये देखा है कि मस्जिद हमारी जो है गौथन बर्ग की उसके दो फ्लैट हैं एक नीचे है एक ऊपर की मंजिल में है ऊपर वाली मंजिल का ये जी खलीफा साहब का है क्यों खलीफा साहब का है उन्होंने बनाना है अपने लिए कि घर तो अपने पैसों से अलग बनाए अवाम के चंदों से बना हुआ साल हा साल से वो खाली पड़ा रहता है जी खलीफा साहब का है वो अवाम जो यहाँ की है उसको ये सहूलती में असर नहीं कि किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो उस कमरे को इस्तेमाल कर सके तो ये नियमते जैसे पाकिस्तान में जरदारी नवाज शरीफ और दीगर जो भी हैं वो अपने जी मफादात के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं यहाँ पे भी तो यही कुछ हो रहा है रहमानी नहीं नज़र आती तो मुंह से दावा करने से क्या हासिल होगा इसी तरह दीगर ममालिक में भी मसाजिद में ये हजूर का फ्लैट है क्या खिलाफ रास्ता में कभी ये चीज नजर आई थी कि ये जी मदीना में खलीफा साहब का घर है मक्का में भी ये है और इस पे कोई नहीं दाखिल हो सकता बेशक वो ताहत खाली पड़ा रहे खलीफा की जिंदगी में इसमें रहमानियत नहीं है कि जो रिसोर्सेज हमें मयसर हैं वो इंसान के फायदे के लिए हो ये जुल्म है जो होता है और ये हर रंग में है यानी बात हमें जमात की इंतजामिया में नहीं नजर आती खूस आखिरी फैसला तो खलीफा नहीं करना होता जो इनके नाम ने हाथ खलीफा है और किसी चीज में नहीं नजर आती आप हम एक एक चीज को देख लेते हैं मैंने ये बताया था कि जो ये अमवाल आते हैं ये इनके जाति मफादत के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं ये नजराने भी ले लेंगे हालांकि रसूल रसुलसम ने सख्ती से मना किया था कि मेरे नाम पे जो कुछ भी आएगा वो बैतलमाल का हिस्सा होगा अगर कोई समझता है कि वो इतना ही टे खान है तो वो अपने माँ बाप के घर में बैठ जाए तो मैं देखूंगा कौन उसको नजराने और तोहफे देता है लेकिन इन्होंने इसको बिजनेस बनाया हुआ है अपनी आमद के लिए दुनिया जहान की मसाजिद में इनके फ्लैट हैं और खा उसमें सारी जिंदगी भी ना गए हों लेकिन किसी आवाम जमात के किसी मेंबर को उससे कोई फायदा नहीं है ये मुगलिया शोक है फिर नंबर दो देखें तमाम अहम ओहदों पर अपने खानदान के लोग बैठा देते हैं ये कौन सा इंसाफ है इनका देख लें सारे अहम उहदों पर अपने सालों को अपनी बेटियों को बेटों को बिठाया हुआ है क्या जमात कोई और ऐसा बेहतर कारकुन नहीं पैदा कर सकी जो इनसे बेहतर काम कर सके जो इनसे बेहतर हकदार हो कौन फैसला कर लेता है मैार क्या है सब बे इंसाफी पे मबनी खुदा तला की सिफात से हटा हुआ निज़ाम है तीसरी में चीज देखें कि रहमान खुदा की सिफात से दूर पड़े हुए हैं रसूल की ने भी अपनी आ अपनी ज़ात के बारे में बताया था कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं यूगा मेरी तरफ वही होती है जिस खुदा का इलम दिया था रसूल की मुसम ने वो ये था कि वो वही करता है गैब की ख़बरें देता है यही बात मिर्जा साहब की जिंदगी में हमें देख मिलती है अल्लाह ताला ने बेपना गैब की ख़बरें उनको दी और वो मुसलमान जो दीगर फिरके जो अल्लाह ताला की इस सिफ्त का इनकार कर बैठे थे कि खुदा अब नहीं बोलता मिर्जा साहब उस खुदा की बोलने का एक जिंदा सबूत थे लेकिन हम देखते हैं कि वो रहमान खुदा जिस पे चाहता है फजल कर देता है वो मिर्जा साहब वसीयत करके गए कि मेरे बाद जब तक कोई रोहल कुदस की तो से ना खड़ा हो मिलकर काम करते रहना ये चीज़ किसने ख़त्म कर दी यानी वो खुदा जिसका पता रसूल की दिया था कि वो किन सिफात का हामिल है उसकी पहचान की मरकजी सिफ्त क्या है मिर्जा साहब उसका एक जिंदा नमूना थे और वही उन्होंने अपने बाद कहा कि मुझे खुदा ने कती और यकीनी वही से ख़बर दे रखी है कि खुदा तला एक वजूद को पैदा करेगा और वही इल्हाम से उसको खास करेगा वो किधर चला गया उसकी जगह एक अपनी कमेटी बना ली गई कि इसकी प्रोडक्ट खुदाई प्रोडक्ट कहलाएगी ये कहाँ से आ गया यानी रसूल कीम ने जिस बोलते खुदा का पता दिया था जिंदा खुदा का पता दिया था और मिर्जा साहब ने उसकी याद दहानी कराई थी और कहा था कि कति और यकीनी वही से खुदा ने मुझे खबर दे रखी है उसका इनकार कर बैठे क्यों जाती गद्दी कि अगर इकरार कर ले तो फिर तो हमारी ये गद्दी खत्म हो जाती है चौथी चीज देखें दलाइल की रूह से जो मिर्जा साहब ने अपने बारे में कहा था कि मेरे फिरका के लोग दलाइल से सब का मुंह बंद कर देंगे हम देखते हैं कि दलाइल वाली तो इनमें बात ही कोई नहीं है ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुदाई प्रोडक्ट हैं इनमें तो बात ही मिर्जा साहब की जमात की अलामत ही इनमें नहीं पाई जाती जब बानिय जमात असलाह पसंद हजरत अब्दुल गफार जम्बा साहेब ने एक खात इंतहाई अदब से एक मिर्जा साहेब की जमात की जानशीन का पूरा मद नजर रखते हुए लिखा कि मुझे गैब से बातों का पता चलना शुरू हुआ है और ये गैब की बातें इसकी में कुरान, सुन हैदीस इहामात मिर्जा साहब और उनकी तहरीरात बतौर सबूत मौजूद हैं अब चाहिए तो ये था कि दलाइल से रद्द किया जाता कि जिनाब कोई आपको गलत फहमी हुई हुई है ये देखें ये हमारे पास दलाइल हैं और ये कुरानी दलाइल हैं ये हदीस के दलाइल हैं ये मिर्जा साहब के अलहमाद के दलाइल हैं इनकी रूह है। से हम आपके दावे को गलत समझते हैं वो दलाइल जमात के सामने रखे जाते मगर बेबसी का ये आलम था कि सवाए इसके कुछ नहीं था कि ये तो शैतानी बसावस है पता कैसे चलेगा कि ये शैतानी वसावस हैं? ये क्यों नहीं कहा जाएगा कि आपने जो बात की है यह शैतानी वसावस क्योंकि जिस शख्स ने यह कहा कि मुझे गैर सी इन बातों का पता चलना शुरू किया और मैं वो वजूद हूं जिसका वादा दिया गया था तो उसकी गुवाहियां तो आपके हाथों में थी मिर्जा साहब की किताबें आपके पास थी आपने उस बोलते खुदा का इनकार कर दिया ये कौन सा इंसाफ है यह कौन सी खुदा की सिफत है जिसके आप मजर बने हुए हैं फिर हमारी जमात के एक एक फर्द को की मिसाल भी पेश की जा सकती है कि उनके साथ जो कुछ किया गया बिल्कुल एंटी इस्लामिक तरीक अपनाया गया यानी खुदा तला की सुनत को छोड़ दिया गया मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने हूं मेरा एक सिर्फ एक सवाल था कि जमात का मुजद के बारे में अकीदा क्या है तो आपका रद्द क्या था आपका रद्द ये था कि इस शख्स और इसके घराने का मका कर दो इसके रिश्तेदारों में कोई भी खुशी का मौका आए जैसे शादी हो या कोई और हो कता इनको वहां पे आने की इजाज़त ना दी जाए ये कौन सा इस्लाम आपने ढूंढा था इनकी कोई गमी का मौका आ जाए किसी रिश्तेदार के हाँ ये जो से वापस इनको मिलने की इजाजत नहीं होगी और अगर ये वहां आए तो सारी जमात वहां से उठ के चली जाए वाह जी वाह ये कौन सा आपने इस्लाम ढूंढ लिया था आप शैतान के तरीकों की नुमाइंदगी कर रहे थे ना के रहमान खुदा की इनको ए, ए, इतना बड़ा जुर्म है कि एक शख्स ने सवाल किया कि जुमात में मुजदिद जुमात का मौका मुजदिद के बारे में क्या है इसका अखराज कर दो और यही काम तो कुफारे मक्का करते थे आप कि हां कौन सी रेहानी सिर्फ थी कोई भी नहीं जमात को सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पे चली गई है वो हालत है जैसे कि हम खुली खुली मिसालें हमारे सामने हैं हजरत अलैहिस्सलाम चालीस दिनों के लिए गए तो पीछे से बछड़ा जो मबूद बन गया ये अवाम की हालत होती है क्योंकि वो सिर्फ तकलीद कर रहे होते हैं वो तहकीक नहीं करते उधर ब्राह्मण ने यही काम किया शूद्रों को दबाने के लिए अपने पीछे नीचे चलाने के लिए कि इस जन्म में हमारी खिदमत करो अगले जन्म में शायद तुम खतरी या ब्राह्मण बन जाओ गलत अकीदों पे चल पड़ते हैं और यही ईसाइत में भी हमें नजर आता है हजरतीसा ने तो कहीं नहीं कहा था कि तसलीस कर के पीछे चल पड़ना लेकिन जैसे वो सामरी की बछड़े की पूजा शुरू हो गई यहाँ पे तसलीस की तकलीद शुरू हो गई और यही काम जमात ने कर लिया कि एक ऐसा फर्जी खलीफा बना लिया गया जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मिर्जा साहब के हाँ वो तो कह रहे थे कि दुआएं करो कि अल्लाह ताला की वो रहमत आसमान से दोबारा नाजल हो और वही और इल्हाम से कोई शख्स खड़ा हो जिसको सानिया कहा गया लेकिन यहाँ पे अजीब मामला है उलट तो कोई रहमानी सिफ्त नजर नहीं आती ये बहुत बड़ा एंटी इस्लामिक मामला है जो ये करते हैं ये रहमान खुदा के असूलों पर नहीं चलते वो परवीन छाकर ने एक शेर कहा था कि मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था मैंने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया यहां पर देखें कि मीर नासर नवाब साहब ने एक बात की और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कमाल कर दिया वो क्योंकि गदी नशीन घराने के थे उन्होंने वही बात की जो उन्होंने अपने खानदान में अबाव अजदाद से देखी थी लेकिन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने मसीम की वसीयत को पामाल करते हुए रगेदते हुए नाजायज तौर पर गदी निशीनी कायम की और आज तक वो कायम चली आ रही है ये खुदा तला के तरीक नहीं होते ये अल्लाह के रास्ते ही नहीं हैं ये प्रस्ती है ये इकतदार की हवस है ये माल अकतदार और दुनिया की जाहरी शौकत को अपने कब्जा में करने का एक तरीक है जिस पे मजहब की चादर उड़ा कर उसे पेश किया जाता है ये जो पाकिस्तान में जरदारी नवाज़ शरीफ और दीगर इस तरह के आप देखते हैं इनका और इन खलफा का फर्क ये है कि उन्होंने मजहब के नाम पर यह कारोबार नहीं किया जमात को ये बार बार कहा जाता है कि गौर करो मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ो अल्लाह ताला की सुन्नत को देखो कुरान शरीफ़ का पैगाम देखो तो आपको ये हकीकत पता चल जाएगी कि अल्लाह ताला की सिफ्त रहमान और रहीम किस तरह दुनिया में जलवा गर होती है और कौन होते हैं जो उस सिफत के नुमाइंदा हकीकी नुमाइंदा होते हैं अल्लाह तब को ये ये समझ अता फरमाए मसीम की तलीम ही यही थी कि दलाइल की रूह से गालब रहना है अपने अंदर दलाइल पैदा करें सबूत महिया करें वो अगर आपके खिलाफ भी जाते हों तब तब भी उन्हें माने हदायत का रास्ता बारीक रास्ता है अल्लाह हम सब को उस पर चलने की तोफ़ीक अता फ़रमाए

ومن يزلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم